और बड़ी खबर है रीवा से, जहां शादीशुदा महिला ने युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। घटना रीवा जिले की है, जहां पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आसिफ खान पिता अब्दुल खान निवासी बाणसागर कॉलोनी के खिलाफ महिला थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। बताया जाता है कि पिछले 5 महीने से शादी का झांसा देकर वो महिला को हवस का शिकार बना रहा था। वहीं विरोध करने पर आरोपी के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी और अश्लील वीडियो भी वायरल कर दिया गया था। पीड़िता की शिकायत पर महिला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 376 जान से मारने की धमकी और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया। वहीं एफआईआर दर्ज होने की जानकारी मिलते ही आरोपी फरार हो गया है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां एक बार फिर युवती दुष्कर्म का शिकार हुई है। जिले में जहां आए दिन शादी का झांसा देकर आरोपियों के साथ युवतियों और महिलाओं को हवस का शिकार बनाया जा रहा है, इसके बावजूद ऐसे मामलों में रोकथाम नहीं लग पा रही है। ऐसे मामलों में युवतियों के साथ शादीशुदा महिलाएं भी शिकार हो रही हैं, जो समाज के लिए चिंता का विषय बन चुका है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।